स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए जीएस के अंतर्गत देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 241 नंबर का। भारत के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ये प्रागैतिहासिक काल की बात है और इसमें विकल्प है लेखाहिया, भीमबेटका, घघरिया, आदमगढ़। इसका सही उत्तर है भीमबेटका। हमारा अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? विकल्प है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, पंजाब। तो इसका सही उत्तर है सिक्किम। हमारा अगला प्रश्न है जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु पड़ती है? विकल्प है शरद, शीत, वर्षा, ग्रीष्म। इसका सही उत्तर है वर्षा। हमारा अगला प्रश्न है भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है? विकल्प है तटीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग, प्रायद्वीपीय पठार, गंगा का मैदान। तो इसका सही उत्तर है प्रायद्वीपीय पठार। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? विकल्प है केटू, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। तो इसका सही उत्तर है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से मिलता है? विकल्प है थाल घाट, सिपकीला, पाल घाट, भोर घाट। तो इसका सही उत्तर है पाल घाट। अगला प्रश्न है भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? विकल्प है 20 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री। इसका सही उत्तर है 30 डिग्री। हमारा अगला प्रश्न है भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? विकल्प है 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। तो इसका सही उत्तर है 30 डिग्री। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किसने किया? विकल्प है पार्थियनों ने, शकों ने, यूनानियों ने, कुषाणों ने। इसका सही उत्तर है यूनानियों ने। हमारा अगला प्रश्न है भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? विकल्प है शक, कुषाण, यूनानी, पार्थियन। इसका सही उत्तर है यूनानी। हमारा अगला प्रश्न है मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? विकल्प है 12, 10, 4, 7। इसका सही उत्तर है 7। हमारा अगला प्रश्न है भारतीयों के लिए शिल्प मार्ग किसने आरंभ किया? विकल्प है अशोक, फाहयान, कनिष्क, हर्ष। इसका सही उत्तर है कनिष्क। हमारा अगला प्रश्न है भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? विकल्प है राष्ट्रीय कैंसर दिवस, राष्ट्रीय क्षय रोग दिवस, राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस। इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस। हमारा अगला प्रश्न है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है? विकल्प है 5 घंटा 10 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 40 मिनट, 5 घंटा 20 मिनट। इसका सही उत्तर है 5 घंटा 30 मिनट। हमारा अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? विकल्प है आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।